हमारा फ्यूचर असल में क्या होगा, कैसा होगा। और कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि अगर वो पास्ट में जा सके तो वो अपने बिगड़े काम ठीक कर सकते हैं। लेकिन क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है? अगर हाँ तो कैसे? क्या हम समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? ये साइंस की सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक है। साइंस की दुनिया में कुछ चीजें रियल एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होते हैं, जिसे साइंटिफिकली प्रूव्ड कहते हैं, और कुछ चीजें रियल एक्सपेरिमेंट्स से नहीं बल्कि थियोरेटिकली प्रूव्ड होती है। और ये टाइम ट्रेवल थियोरेटिकली ही प्रूव्ड है। आइंस्टाइन और बाकी कई साइंटिस्ट के थ्योरीज टाइम ट्रेवल को अलाउ करती है। तो अब हम सोचते हैं कि हमें भविष्य में ट्रेवल करना है और हमारे पास एक बहुत तेज स्पेसक्राफ्ट है। ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ की स्पीड के मुकाबले 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो अगर हम इस स्पेसक्राफ्ट में अर्थ के कुछ चक्कर लगा के वापस अपनी जगह पहुंचे तो हमारी घड़ी में टाइम नीचे अर्थ पर जो घड़ी है उससे कुछ नैनो सेकेंड्स कम बीता होगा। इस कंसेप्ट को टाइम डायलेशन कहते हैं। बेसिकली इससे ये प्रूव होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक रास्ते से आगे बढ़ रहा है, और अगर वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम स्लो हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज जितनी तेजी से चलेगी उस चीज के लिए समय की रफ्तार उतनी ही कम होती जाएगी। अब ये तो हमें पता है कि लाइट की स्पीड जो 3,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा है वो दुनिया में सबसे तेज है। अब सोचिए अगर आप 10 साल लगभग 90% लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके और जब आप वापस पृथ्वी पर पहुंचोगे तो आपकी उम्र सिर्फ 10 साल बड़ी होगी, लेकिन पृथ्वी में लगभग 24 साल गुजर गए होंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप एक तरह से 14 साल भविष्य में आ गए हो, और ये एक तरीका है जिससे आप भविष्य में टाइम ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है, और इसलिए ये सिर्फ थियोरेटिकली प्रूव्ड है, प्रैक्टिकली नहीं। अब ये तो हो गए फ्यूचर में जाने के बाद, अब पास्ट में अतीत में जाने की बात करते हैं। पास्ट में आप किसी लाइट की स्पीड जैसे तरीके से नहीं जा सकते। पास्ट में जाना ये तो फ्यूचर में जाने से भी ज्यादा मुश्किल है। हम एक पैराडॉक्स देखते हैं, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये बहुत ही फेमस पैराडॉक्स है। इसके मुताबिक मान लीजिए कि अगर आप किसी भी तरह टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चले गए अपने दादाजी के जमाने में और आपने अपने दादाजी को मार दिया, तो आप इस समय कैसे रहोगे? यानी जब आपने अपने दादाजी को ही मार दिया है तो आपका जन्म कैसे हुआ? आप तो पैदा ही नहीं हुए, तो उन्हें मारा किसने? ये तो एक सुपर कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है जिसका कोई आंसर नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि पास्ट में ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग्स का ये कहना है कि ये पॉसिबल है। इसका तरीका है वर्म होल्स। अब वर्म होल्स क्या है? आप वर्म होल्स को एक टनल कह सकते हो जो ब्रह्मांड के दो जगहों और दो समय को जोड़ता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नॉन थियोरेटिकल चीज है। साइंटिस्ट ने दावा तो किया है।